हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाले रिलेटेड टू टेनिस। हम सबको पता है कि पाकिस्तान का एक स्टार है जिसका नाम है असामुल हक। असामुल हक ने एक प्रपोजल दिया था सानिया मिर्जा को कि आप मेरे साथ टेनिस में डबल पार्टनर हो जाओ और हम जो है डबल में दोनों मुल्क को रिप्रेजेंट करके खेलेंगे। लेकिन सानिया मिर्जा ने असामुल हक की जो ये प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया। और सानिया मिर्जा बोलती है कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है राइवलरीज है और पाकिस्तान और इंडिया में कितनी ही दंगे फसाद होते हैं। हिंदू मुस्लिम, मुसलमान हिंदू, इंडिया मुस्लिम, इस तरह कश्मीर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, संकते लांझी होती है। तो असामुल हक ने सानिया मिर्जा को बोला था कि हम दोनों मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं और डबल्स में हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन सानिया मिर्जा ने असामुल हक के जो ये डिसीजन तो ये प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया और ये बोला कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती और मैं आपके साथ डबल्स नहीं खेल सकती। तो अगर सानिया मिर्जा की तरफ से सोचिए तो ये काफ़ी ही अच्छा डिसीजन था कि हम सबको पता है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे सानिया मिर्जा को भी अटैक होगा, क्योंकि एक मुसलमान है और इंडिया के लिए खेलती है, उससे उसको भी फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान होगा और उस पर उसकी फैमिली में भी काफ़ी बर्डन होगा। और असामुल हक की तरफ से अगर सोचे तो ये काफ़ी बुरी बात है कि सानिया मिर्जा हमारी शुएब मलिक की बीवी है, उसका रिलेशन हमारे साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हम एक स्पोर्ट्स में खेल सकते, दोनों मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते। तो हर प्लेयर की अपनी मर्जी होती है। तो अब न्यूज़ ये है कि असामुल हक और सानिया मिर्जा एक साथ डबल में परफॉर्म नहीं करेंगे। सानिया मिर्जा ने मना कर दिया कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं रोज़ स्पोर्ट्स न्यूज़, क्रिकेट न्यूज़ है, कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर लाते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।